भाई मैं तो कहता हूँ कि साथ के ना बच्चे फौरन पैदा हो जाने चाहिए, कम से कम हम पर से ये प्रेशर तो खत्म होगा। और वैसे भी लाइक द डॉक्टर सेड, मैं और तुम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ये तो अल्लाह की मर्जी है। मुझे याद है मुराद, बस कभी कभी डर लगता है कि आप इस इंतजार से थक ना जाए। सब कभी भी हेलो यार, बात बोल। ओह गॉड, नहीं, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके ओके बाय, सॉरी आई गॉट टू गो। रात नाश्ता तो ठीक से कर लें। बस कर लिया नाश्ता, शाम में मिलते हैं ना। बाय, ख्याल रखना अपना। बुआ नाश्ता उठा लें। बीबी जी, ये रोही की मंगनी की मिठाई है। बहुत मुबारक हो आपको, कैसी रही मंगनी? अल्लाह का शुक्र है, बस जैसी मंगनियां होती हैं वैसी हो गई। ये तो है, रोही आपकी एक ही बेटी है, उसकी मंगनी इतने प्रेशर में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह कि वो मान गई और सब कुछ खैरियत से हो गया, आपकी परेशानी भी कम हो गई। शुक्र है अल्लाह का बीबी जी, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना बाहर से ताला लगा कर आई। ताला क्यों? आपने कहा था आप उसे साथ लेकर आएंगी। बीबी जी सारी रात की थकी हुई थी ना मंगनी की वजह से, तो बस इसीलिए नहीं ला सकी। ओह अच्छा, ठीक है, अगर आपकी तसल्ली अभी भी नहीं हो रही है तो आप ऐसा करें, सारा काम जल्दी खत्म करके उसके पास चली जाएं, कोई मसला नहीं है। बड़ी मेहरबानी बीबी जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। मैं जी बर्तन उठाती हूँ। नसीमा, अपने रूही को मंगनी के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये बैल ना मुंह चढ़ते नजर नहीं आ रही। अरे अम्मी क्या हो गया है? अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आया है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब तक लोगों की बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक जाएंगे। तुम्हें पता है सारे लोग जो मंगनी में आए थे वो ये कह रहे थे कि दुल्हन के चेहरे पे कोई खुशी नजर ही नहीं आ रही। अरे मुझे लोगों से क्या लेना देना है, मुझे तो बस रूही से मतलब है। आप देखिए थोड़े वक्त में वो इस हकीकत की दुनिया में वापस आ जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तो देख ही लूंगी, तुम देख लो। मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगी। हाँ अम्मी, सुबह ही सुबह क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं? अरे आप तो लड़के की माँ हैं, दूल्हे की माँ हैं। अरे दूल्हे की माँ तो शादी की तैयारियां करती है, खुश होती है, मिठाइयां बांटती है, और आप तो बस मुबारकबादें वसूल करें बस। अच्छा भाई ठीक है, अगर बुरा लग रहा है ना तो नहीं बोलती, जाओ। अरे इमोशनल क्यों हो रही हैं? मैं, आप जानती हैं कि इस दुनिया में मेरी सिर्फ दो ही कमजोरियां हैं, एक आप और एक रूही, और अपनी जिंदगी में दोनों में आधी आधी बांट चुका हूं। इस बात को मानता हूं कि रूही खुश नहीं है, लेकिन उसकी वजह मंगनी नहीं है। अरे उसकी वजह उसके वो आधे अधूरे ख्वाब हैं जो पूरे नहीं हो सके, लेकिन मैं उसके ख्वाब पूरे करूंगा और फिर देखिएगा वो खुश हो जाएगी। इतनी सी बात है मेरा बच्चा, मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन इस औरत के फलसफे को तुम नहीं जानते। अगर गुजारा करने पे आए तो थोड़े में भी बहुत अच्छा गुजारा करती, और अगर ना करना हो तो बहुत सादा में भी मुतमईन नहीं होती। नहीं जानते तुम औरत को बेटा। लेकिन मेरी रूही को ना मैं मुतमईन कर लूंगा अपनी चाहत और लगन से,
उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, उसकी हर खुशी पूरी करूं। और आप देखिए, मेरी मोहब्बत, मेरा अखलाक, मेरा खुलूस उसके दिल में अपनी जगह बना ले। अल्लाह करे मेरा बच्चा जैसा तुम कह रहे हो और जैसा तुम चाह रहे हो ऐसा ही हो। और आप मेरी बात सुन लीजिए, ये जो आपके रिश्तेदार है ना, तो आपके कान भरते रहते, आप उसके बाद उनके घर जाइएगा और सबके कान मरोड़िएगा और बोलिएगा क्या बोलते थे तुम लोग। फिलहाल तो मैं तुम्हारे कान मरोड़ूंगी, लायक कहीं के सारी चाय ठंडी करवा दी। चलो आओ नाश्ता करिए। एक मिनट मैं खिलाऊंगा। अच्छा जैसे नखरे ही करता है, ये ले। खा ले, खा ले। हाँ बुशरा की बच्ची आ गई यार, सुबह से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थी? क्या करूँ, तुम्हारे घर के बाहर ताला लगा हुआ है। कहो तो दीवार फलांग कर आ जाऊं। हैं? नहीं, लाइन काटने की गलती मत करना प्लीज। तुम्हारा दीदार ना सही, आवाज तो सुनने को मिल रही है। ऐसा ना हो कि मैं ताला तोड़कर तुम्हारे घर आ जाऊं और जब तुम्हारी अम्मा घर आए तो तुम घर पर ही मौजूद ना हो। जो तू मुझे बार बार उठा ले जाने की धमकी देता है, तेरे बाप की मिल्की है तुम्हें, जिसे उठा कर ले जाएगा। कर्ज उतारने को ढेला नहीं और सिक्कों की तरह खनखना रही हो। हाँ, तुमसे अकलमंद तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें तिजोरी में बंद कर गई है, क्योंकि अगर तिजोरी बंद हो ना तो खजाना महफूज रहता है, वरना लूटने वाले तो बंद तिजोरी से भी अपना हिस्सा लूट कर ले जाते हैं। कर्ज के नाम पे ना तो मेरी माँ को डरा सकता है, और मैं जानती हूँ दो टके का डॉन बना फिरता ना, दो मिनट में तेरी अकड़ निकाल दूंगी। क्या करोगी बताओ? चलो बताओ क्या करोगी? कल की तरह मिन्नतें करोगी? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। हैं? बोलो। नहीं, अब की बार ना मूसा से कहूंगी। क्या बात है भाई, क्या बात है, मूसा को बता दोगी? एक ही दिन में इतनी मोहब्बत होगी मूसा से? कल तक तो उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, और आज आज उसकी जुर्रत का दम भर रही हो। हाँ हाँ हाँ, हो गई है मोहब्बत, और तूने जितनी अकड़ दिखानी है ना, अब मूसा के सामने जाके दिखाना बड़ा आया। ठीक है मेरी जान, इसका मतलब यह है कि मूसा की मोहब्बत और इरफान की ताकत आजमाने का वक्त आ गया है। अब जो ताकतवर होगा ना वही तुम्हें जीत कर जाएगा। हाँ जा, बढ़ाया जीतेगा वो भी रूही को। Thank you.
अरे शमसू चाचा, ये लो मुंह मीठा करो, उस्ताद की मंगनी की मिठाई है। उस्ताद तुम भी ना, तुम खाओ। वाह भाई वाह, सांप क्यों सूंघ गया मुझे देखकर? हैं, पार्टी चल रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। मनाओ चाचा, मेरे लिए भी चाय मंगाओ, दूध पत्ती, केक रस भी मंगाना दूध पत्ती के साथ। हाँ छोटू, यार की खुशी में भाई को भूल गया? अबे हम भी तेरे भाई हैं, सबको मिठाइयां खिला रहा है, हमारा भी तो मुंह मीठा करा। नए रिश्तेदार मिल जाने का यह मतलब थोड़ी है कि पुराने दोस्तों को भूल जाओ। हैं, अबे हम भी तेरे यारे गार हैं, ये ले। इरफान, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, जाओ यहां से। बे क्या हो गया, खुशी की खबर है? तेरी खुशी की खबर में खुद चलकर आ रहा हूं, तुझे तो खड़े होके मुझे गले लगाना चाहिए। हमारी कौन सी दुश्मनी है? हाँ वो छोटी मोटी मुहमारी हुई थी, लेकिन वो तो कल की बात है, अब छोड़। हैं? वैसे भी जब कोई खुशी की मुबारकबाद देता है ना, तो खैर मुबारक कहते हैं, हादसा टल जाते हैं। मुबारक हो तुझे, ये ले आजा। अच्छे से जानता हूं मैं कि बुरी नजर का तोड़ कैसे करते हैं, और ये भी जानता हूं कि हर खुशी का एक सदका होता है, और मैं अपनी खुशी का सदका दे चुका हूं उस रात तुम्हारी जान बख्श के। बीबी जी, नमल बीबी आई। नमल आई है? हाँ, ड्राइंग रूम में बिठा दिया मैंने। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जी निर्मल बीबी, अनीशा बीबी आ रही है। ठीक है बुआ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जरूर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। I'm glad. पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज भी है। क्या? Congratulations. एक नया मेहमान आने वाला है। What? No. Yes. और जैसे ही मुझे ये खबर मिली, सबसे पहले इसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच निर्मल, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि भाई को ये बात पहले पता चलनी चाहिए थी? नहीं, वो क्या करेंगे जान के, ये नया मेहमान तो तुम्हारा है ना। मेरा? हाँ निशा, मैंने और वजी ने उज़ैफा के साथ लाड करते हुए तुम्हारे अंदर की ममता को देखा है, इसीलिए हमने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि हमारे दूसरे बेबी के आने तक अगर तुम्हारी गोद खाली रही तो हम अपना ये बच्चा तुम्हारी गोद में डाल देंगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खबर दी है? पता नहीं मुराद का क्या रिएक्शन होगा ये सुनकर। वो भी तुम्हारी तरह बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट वजी ने बातों बातों में इस बात का जिक्र मुराद से किया था और उसे कोई एतराज नहीं। तुमने इतना सब कुछ कर लिया, अभी किया कहाँ है, अभी तो सिर्फ सोचा है। करेंगे तो तब जब तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा गुड्डा या गुड़िया डालेंगे। और अनीशा, I'm very very sorry. उस दिन उस ज़ैफ़ा के खो जाने पर शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्त अल्फाजों में बात की, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हें उस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ी देर के लिए बुरा जरूर लगा था, लेकिन मुराद ने समझा दिया था कि तुम्हारा मकसद मुझे हर्ट करना नहीं था, खाली गोद का ताना देना नहीं था, इसीलिए भूल भी गई। बिल्कुल नहीं था, पर अब तो तुम्हारी गोद भी खाली नहीं रहेगी अनीशा, माँ बनूंगी। कितना अच्छा लगेगा नानी मां, कोई मुझे भी माँ बुलाएगा, मुराद को पापा, कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है।
जानती हूँ निर्मल, हर रात मैंने इस ख्वाब को थपकी देकर सुलाया, लेकिन अब वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। बुआ, सुना आपने, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच करिए बीबी जी? जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। निर्मल और भाई मुझे अपना बच्चा दे रहे हैं। सच्ची बीबी जी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको बहुत मुबारक हो बीबी जी, बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सलामत रखे, बहुत खुशियां दे। आमीन। तेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है निर्मल, सब कुछ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अम्मा, फोन पे तो तुमने मुझे चुप करवा दिया था। इतनी भी क्या बेतबारी हो गई थी कि तू ताला लगा कर चली गई? अरे बेतबारी नहीं है, परवाह की है तेरी परवाह। सुबह सो रही थी तो क्या करती मैं, और वैसे भी वो इरफान है ना, डर गई हूं मैं उससे, इसीलिए वो इतना चौड़ा हो रहा था रूही के सामने। क्या क्या मतलब, क्या किया उसने? तू तो घर में बंद थी ना। सांस ले लो अब अम्मा, सांस ले लो। मैं बंद थी लेकिन फोन तो खुला था ना मेरा। बुशरा के नंबर से फोन करके ताना दे रहा था कि तेरी माँ ताले में बंद कर गई। तो क्या जरूरत थी उससे बात करने की? मैंने फोन इसलिए लेकर दिया कि मेरे रास्ते में रहो, ना कि हरे हरे घरे से बात करती फिरो। अम्मा खुदा का खौफ करो, बुशरा का नंबर ना होता तो क्यों उठाती मैं, क्यों करती किसी से बात? तो आवाज सुन के फोन काट देती ना, क्या जरूरत थी सुनने की? खैर कल से अब ना मेरे साथ बंगले पर चल, अच्छा है ना, घर में नहीं रहेगी तो कोई तंग भी नहीं करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि रूही कहीं जाके काम करेगी, और यहाँ मैं तुझसे ताले की मुसीबत पे बात कर रही हूँ, तू मेरे लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दे। अरे मैडम, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहना वहाँ पर, काम के लिए नहीं लेके जा रही हूँ, तेरी हिफाजत के लिए लेके जा रही हूँ। हाँ यहाँ पर तो सब दरिंदे है ना, वहाँ पर तो इंसान है, और यहाँ के दरिंदे तो तालों में से भी निकल के खा जाएंगे रूही को। रूही नहीं करेगी किसी के घर का काम। अरे मनहूस, कम अज कम एक गिलास पानी का ही पूछ ले, माँ थकी आ रही आई है। अरे अल्लाह, मेरे तो नसीब ही खराब है, ऐसी औलाद मिली है मुझे नालायक किस्म की। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, सब कुछ प्लान कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। अगर तुम्हें ये सरप्राइज ना देते तो आज तो तुम्हारी आंखों की चमक है उसे कैसे देखते, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट इसे कैसे महसूस करते। 6 साल गुजारे हमने इस महरूमी में, खुशखबरी देने आ रहा था तो इस मौके को हाथ से कैसे जाने देते। और आज मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूं। ये तो नहीं जानती कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, मैं ये जरूर जानती कि बच्चा हमारी जिंदगी खुशियों से भर दे। इंशाल्लाह, बस दुआ करें कि इंतजार का वक्त जल्दी से गुजर जाए। अरे देखना, हम यूं ही एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे और ये वक्त यूं झटपट गुजर जाएगा और हमारी गोद में वो आ जाएगा।
इसे आ जाएगा या आ जाएगी, ऐसा कुछ सोचा नहीं ना अभी तक। यही तो कंफ्यूजन है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों की शॉपिंग कर लेते हैं, लड़की की भी और लड़की की भी, बाद में मसला नहीं होगा ना। और ऐसा करेंगे, नाम नाम भी आज ही सोच लेंगे। थोड़ा प्लीज कल आप मुझे शॉपिंग के लिए लेके जा सकते हैं प्लीज? शॉपिंग अभी से? हाँ, अभी से शुरू करेंगे तो मुकम्मल होगी ना शॉपिंग, टाइम ही कितना रह गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सारी बातें साइड में, पहले मेरा मुंह तो मीठा करा दें। हम डिनर पे आए हुए, पहले डिनर करेंगे ना फिर मीठा करेंगे। डिनर बाद में, मीठा पहले। यस सर, जैसे आपका हुक्म, पहले मीठा खाएंगे आज हम। एक्सक्यूज मी, चाय? थैंक यू। यू वेलकम। मुजैफा सो गया? सारा वक्त उछल कूद करता रहेगा, इतनी शरारते करेगा तो सोएगा ही ना। जाहिर है, प्रिंस है हमारा, खेलेगा कूदेगा तो सही, तुम्हें क्यों एतराज है? अच्छा, क्योंकि संभालना मुझे पड़ता है। ओ, अच्छा 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 अच्छा। तो अब तुम एक काम करो कि तुम हर संडे आराम कर लिया करना, मैं अपने बेटे के साथ कहीं तफरी पर निकल जाया करूं। वाह, क्या आइडिया दिया है आपने, यानी कि आप तफरी करें और मैं आराम। वाह जी वाह। भाई अभी तुमने खुद ही कहा है ना कि मेरा बेटा तुम्हें तंग करता है, अच्छा है ना तुम आराम कर लिया करना। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनीशा मेरा बहुत ख्याल रखती है। वैसे भाभी को अक्सर अपनी नंदों से शिकायत रहती है, लेकिन तुम पहली हो जो मेरी बहन की इतनी तारीफ करती है। अब वो है ही इतनी अच्छी। तुम भी बहुत अच्छी हो नंदा, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए तो शायद दुनिया की हर औरत ही कुर्बानी देती है, पर तुमने मेरी बहन की खुशी के लिए खुद को कुर्बानी देने पर राजी किया। शायद अल्लाह ने ही मेरे दिल में ये सब कुछ डाल दिया, वरना शायद ये स्टेप लेना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होता। और मैं हमेशा पूरे दिल से तुम्हारी इस कुर्बानी की इज्जत करता रहूंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है वजी, और खुशी इस बात की भी है कि हम अपनी बहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, उसे खुशी दे सकते हैं। जानते हैं वजी, बच्चे की खबर सुन के जितने खुश हम दोनों हैं ना, ठीक वैसे ही वो भी उतने ही खुश थे। उसकी आंख से निकला हुआ एक एक आंसू, उसका एक एक कतरा इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने अपने दिल में बहुत ममता छुपा रखी है। थैंक यू नमन, तुम्हारी जैसी बीवी मिलने पर मुझे बहुत फख्र है। मैं अक्सर शिकायत करता था कि मेरी बहन जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसके साथ ये इतनी आजमाइशें क्यों? कि तुमने मुझे, मुराद और अनीशा को इस अजियत से निकाल लिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अम्मा कभी कोई ढंग की चीज भी बना लिया, दाल ही रह गई है। तेरी अंगूठी कहाँ होगी? यहीं कहीं। अरे रोहे, तो कितनी नाशुक्री है और लापरवाह भी। पता है झाड़ू देते वक्त जमीन से मिली थी मुझे, देख, और संभाल के ना अपने पास रख ली थी कि देखूं तो सही तुझे परवाह है भी कि नहीं। ले पकड़ रख। देखो तो हीरे लगे हैं। अरे मेरा भांजा जितने प्यार और खलूस से लेकर आया था ना, हीरे जवाहरात से ज्यादा मोल है इसका। बस कर अम्मा, इतनी भी कोई कीमती नहीं है। बेशक कीमती ना हो, मगर इस रिश्ते में बहुत वजन है, और देखना अब वो मुआ इरफान भी ना जान छोड़ देगा। अल्लाह, ये इस वक्त कौन आ गया? चल जा, तू अंदर जा, मैं देखूं। अरे जा ना, मैं देखती हूँ। अरे जल्दी जा, चल जा, और दरवाजा अंदर से बंद कर ले। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे इरफान, अरे ये तरीका इस तरह से दरवाजा पीटने का, ये कोई वक्त है? कोई शरीफों के ढंग है क्या? शरीफ? अबे ओ मतीन, कोई शरीफ नजर आ रहा है तुझे यहाँ पे? शरीफ? देख मेरी बात सुन, इस वक्त मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, सुबह आना, सुबह बात करूंगी, चल जा यहाँ से।
खाला, बदमाशों के मुंह पे दरवाजा बंद किया जाता है, शरीफों के मुंह पे नहीं। जबान से शरीफ कहना और दिल से बदमाश समझना अच्छी बात नहीं होती खाला। देख इरफान, तेरी भलाई इसी में कि अभी चला जा वरना। वाह खाला, चोरी और सीना चोरी, धमकी दे रही है। पैसे भी तूने दे रहे, धमकी भी तू दे रही है, लेकिन मैं वार्निंग देने आया हूँ। वार्निंग, 3 दिन के अंदर अंदर मेरा कर्ज वापस कर दे वरना। वसूली करनी आती है मुझे। देख इरफान, 3 दिन तो बहुत थोड़ा वक्त है ना, इतनी बड़ी रकम का मैं इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करूंगी। देख थोड़ा सा तो वक्त दे ना। खाला बस, कर्ज दिया, एहसान किया, माँ कहा, इज्जत दी, अब रहम खाकर वक्त नहीं दे सकता। 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 दिन का। 3 दिन बाद आऊंगा, और ये बात एक शरीफ आदमी कह रहा है। कौन कह रहा है? शरीफ आदमी। हाँ, 3 दिन बाद आऊंगा, वार्निंग देने नहीं, वसूली करने। और वसूली करके जाऊंगा। चले आला, 3 दिन बाद। चल जा, दफाओ। अरे मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो उसकी बातों में आ गई। मुझे क्या पता था कि पैसों के बदले वो मेरे घर की इज्जत का खरीदार बनकर आ जाएगा। कितना अच्छा होता अगर अपने बाप के साथ साथ ना तू भी मर जाती तो मुझे आज ये दिन तो देखने ना पड़ते। मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल दिया, मैंने क्या किया है? हाँ तो क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आऊं? कौन देगा मुझे? कौन मेरी मजबूरी को समझेगा? 3 दिन का वक्त है, सिर्फ 3 दिन का। इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? कहां से आएंगे का क्या मतलब है? बीबी जी से लेके उसके मुंह पे मार। अच्छा 1000-2000 है ना, वो निकाल के दे देंगी। अरे 3 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। रहने दो अम्मा, ये रकम उन लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं है, और तुम कौन से उनसे भीख मांग रही हो? किस्तों में कटवा देंगे ना। और वैसे अम्मा, तुम तो उनकी सखावत की बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब तुम पे मुसीबत आई है तो क्या साथ नहीं देंगे तुम्हारा? बहुत अफसोस होता है रूही कि कैसी बेटी हो जो अपनी माँ को ही नहीं समझ सकी। अरे हाथ फैलाना क्या भीख मांगने से कम होता है? बीबी जी सखावत पसंद क्यों ना हो, मगर मैं उनसे हरगिज पैसे नहीं मांगूंगी। अरे वो क्या सोचेंगी कि कल बेटी की शादी की जिम्मेदारी उठाने की बात की और आज पैसों पे नियत खोटी कर ली। नहीं नहीं हरगिज नहीं, अरे मैं तो ऐसा हरगिज काम नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी पैसे। तो ठीक है फिर, पड़ी रहो यहीं पर। अल्लाह मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, तू ही मेरी मदद कर, मेरा कोई नहीं। अल्लाह ये मेरी मदद कर, इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आऊंगी। अरे खाला आप भी कमाल करते, आपने कर्जे वाली बात हमें क्यों नहीं बताई? हम कोई गैर हैं, पराए हैं।
उन्होंने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें क्या बताती? हमेशा से बहुत खुददार हैं ये। अरे बेटा क्या करती, सोचा यही था कि थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतार दूंगी, पूरे वक्त का भुगतान है, अकेले ही भुगत लूंगी। लेकिन उस कमीने ने तो पूरे के पूरे पैसे ही मांग लिए एक साथ। अच्छा अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, अब आपने मुझे बता दिया है ना, मैं जाके बात करूंगा उससे। नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं करोगे, बस अभी जाओ और काजी को लेकर आओ। और अपनी अमानत अपने साथ ले जाओ। क्या हो गया अम्मा, पागल हो गई है? ये कोई मसले का हाल थोड़ी होता है। तो क्या करूं मैं, उसको तकलीफ भी तो तुम्हारे और मूसा की मंगनी की है ना। हाँ तो शादी से कौन सा वो पीछे हट जाएगा, अगर उसने कोई दुश्मनी रख ली तो, मुझे या मूसा में से किसी को कत्ल कर दिया तो। रूही मैंने हाथों में ना कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, मैं हूँ देख लूंगा उसको। अगर तुम्हें अम्मा ने ठीक से बताया नहीं तो बता दू, दरवाजे पे आके धमका के गया। अगर चूड़ियां नहीं पहनी ना तो चोरी चोरी शादी करने के बजाय ना जाके उसका गला पकड़। क्या बकवास कर रही हो रूही, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अरे मेरे इकलौते बेटे को तुम उस जंगली के हवाले कर रही हो, उससे लड़वाना चाह रही हो? अगर शादी नहीं करनी तो ना करो, साफ साफ मना कर दो, कम से कम मेरे बेटे को गलत रास्ते मत दिखाओ। ओ खाला तो फिर संभाल अपने बच्चे को, नहीं दिखाते रास्ता। लेकिन अम्मा तुझे मैं बता दूं, अगर मुझे शादी के लिए किसी ने मजबूर किया ना, वो भी ऐसे, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं बता रही हूँ। अरे 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 क्या क्या ऐसे ऐसे नहीं बोलते, परेशान होने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। हाँ तू है, तभी तो ये मुसीबत है, पीछे रूही रूही। आजा जल्दी कर। क्या कर रही है? आकर ना किचन में मेरा हाथ बटा, बीबी जी से बाद में मिलवा दूंगी, चला जल्दी कर, देर हो रही है बहुत ज्यादा।
एक बात कहूं अनीशा, शादी के बाद से आज तक तुम मुझे रोज तैयार करती आई, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा आने के बाद तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाए? तो आपको शिकायत करने का पूरा हक होगा, चाहे तो डांट लेना चाहे तो अंडरस्टैंड कर लेना, लेकिन प्लीज मुराद से कभी नाराज मत होइएगा, मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं अनीशा, मेरे कहने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था, मैं मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। इन फैक्ट अगर एक लिहाज से देखें तो तुम्हारी तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होने वाली है। भाई मैं तुम्हें इतना छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ, जब हमारा बेटा आ जाएगा तो वो तो मुझसे लड़ेगा। हो सकता है कि वो आपका सपोर्टर निकले। हाँ और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों तो मिलकर तुम पे रूल करेंगे, बस। ये खुशफहमी है आपको, मैं आप दोनों को सीधा कर दूंगी। वैसे चले, अब देर हो रही है, आपको ऑफिस के लिए भी नाश्ता कर लें, बुआ लगा चुकी है। नहीं नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, पता है ऑफिस में मीटिंग थी 10 बजे और मैं एज यूजुअल लेट हूँ, इट्स क्वार्टर टू 10 ऑलरेडी। ठीक है, मीटिंग के बाद कुछ खा जरूर लेना आप। खा लो, ख्याल रखना, बाय। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हुआ, मैंने आपसे कहना था कि सही।